फ्रेंड्स, क्वालिटी इंट्राडे में दोस्तों मैं डेली सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स लेके आता हूँ, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी टाइम से दोस्तों एक ही स्टॉक प्रोवाइड करवाता हूँ। दोस्तों जब भी वो एक्टिवेट होता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा 10:50 पे एक्टिवेट हुआ और हमको यहाँ पर दोस्तों कितना कहाँ गया 10:51:56 पे दोस्तों अलर्ट आया। क्या अलर्ट आया? क्रॉसिंग डाउन ओरिजोनटल लाइन। और जब आपने देखा होगा खुद ही दोस्तों क्रॉसिंग डाउन हो तो एक बहुत 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 बड़ा 1.5 से 2% का दोस्तों यहाँ पर उसने मूवमेंट निकाल कर दिया। काफ़ी लोगों ने दोस्तों मुझे जो काफ़ी टाइम सब्सक्राइबर है जिनसे मैं भी लर्निंग करता हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग मुझसे जुड़े हुए दोस्तों काफ़ी टाइम से, उन्होंने मुझे बोला कि सर ये ऑलरेडी दोस्तों 1.5% भाग चुका है, तब भी सर आपका क्या प्लान है, आपने किस तरह इसमें निकाला है कि 1.5% भागने के बाद भी और ये नीचे जाएगा। दोस्तों उसका आंसर मैं वीडियो में देना चाहूँगा। इंडिया विक्स दोस्तों हमको सामंजस्य बिठाना होता है इंडिया विक्स और जो हमारी डेली ट्रेडिंग सेशन डे उसके लिए। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है इंडिया विक्स डेली अप ट्रेंड में 15 टच किया दोस्तों, आज इसने 15th का इंडिया विक्स टच किया। इसलिए दोस्तों जब इंडिया विक्स का मीनिंग क्या होता है, वॉलेटिलिटी को दर्शाता है दोस्तों इंडिया विक्स। मैंने बोला था कल जब वीडियो बनाते समय कि दोस्तों हालांकि मुझे दिख रहा है ये जो मैंने रेंज बनाई दोस्तों बहुत बड़ी रेंज बनाई थी 2% की, तब भी हमको विश्वास था कि अगर तोड़ेगा तो एक बड़ा मूवमेंट देगा क्योंकि इंडिया विक्स हाई है। इंडिया विक्स क्या होता है दोस्तों, वॉलेटिलिटी को दर्शाता है, तो हमको वॉलेटिलिटी में सामंजस्य बिठाना है दोस्तों यहाँ पर। तो इससे दोस्तों हम लोग एक ही स्टॉक देते हैं। एक और दोस्तों मैंने दिया था यहाँ पर रिलायंस दिया था दोस्तों 16th को, डे बिफोर यस्टरडे, तो 16th को भी यहाँ पर एक हमको अलर्ट आया। कहाँ गया रिलायंस? तो यहाँ पर देखो रिलायंस में भी हमको अलर्ट आया 9:45 और रिलायंस ने भी हमको एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिया। तो आज भी जो मैं इकलौता स्टॉक लेकर आया हूँ दोस्तों टाटा मोटर्स के बारे में बात करने के पहले हम लोग HDFC बैंक। दोस्तों HDFC बैंक में क्यों लाया हूँ, क्योंकि इसका कल मंडे को या संडे को रिजल्ट भी आने वाला है इसका दोस्तों, इसलिए ये इसमें भी दोस्तों हम बता देते कितनी बड़ी रेंज बनी है यहाँ पर। इसमें दोस्तों यहाँ पर बनी है अगेन 1% के ऊपर की रेंज बनाई है मैंने। और अगर कुछ लोग बोलते हैं कि नीचे तोड़ा तब तो चलो ठीक है 1% भाग जाएगा, लेकिन ऊपर तोड़ा तो पहले तो इसको ये 1% ऑलरेडी ट्रेवल करना होगा, उसके बाद फिर क्या फिर से ये एक और 1% भाग सकता है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इंडिया विक्स आपको पता है हाई चल रहा है, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ऊपर की तरफ भी हम लोग इसमें विश्वास रख के ऊपर की तरफ भी हम लोग इसमें ट्रेड ले सकते हैं। नीचे टूटा तो ऑफकोर्स बहुत प्यारा मूवमेंट मिलेगा दोस्तों। अभी हम दोस्तों थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे, उसके पहले हम लोग पहले निफ्टी पे हम लोग इंट्रा जो एनालिसिस करते हैं वो एक बार क्विकली एनालिसिस कर लेते दोस्तों। आज मैंने दिया था मैक्स पेन दोस्तों, यहाँ पर जो लेवर्स निकालता हूँ इंडेक्स के कॉल पुट के बारे में वो दोस्तों मैं निकालता हूँ अपने डिफरेंट एनालिसिस बेस्ड पे, क्योंकि कुछ डिफरेंट करेंगे मार्केट में तभी हम लोग डिफरेंट 95% को लॉस होता है, 5% जो होते हैं उनको स्टॉक मार्केट प्रॉफिट होता है, तो हम लोग को कुछ ऐसा डिफरेंट करना होगा जो 5% लोग करते हैं, नॉट हमको भेड़ चाल चलना है ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लेवल्स के बारे में बहुत कम बात करते हैं, मैक्स पेन कॉल राइटर पुट राइटर इनके बारे में बात करें। दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ पर एग्जैक्ट मैक्स पेन से लेकर सीधा कॉल राइटर पे जाके टच हुआ, तो ये दोस्तों ये जो तीन लेवल निकाल के दूंगा दोस्तों मैं, तीन लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जैसा कि इसने यहाँ पे मैक्स पेन को जब तोड़ा तो उसका भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे अलर्ट आया कि भाई ये मैक्स पेन इसने तोड़ा है 9:15:32 पे। तो आपको दोस्तों मैं क्लियर कट नहीं बोलूंगा कि क्या लेवल क्या पुट खरीदना, क्या आपको इतना विवेक और बुद्धि है दोस्तों कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ऊपर खुला अब अपने मैक्स पेन पाया, मैक्स पेन का ब्रेकडाउन दे दिया ने, मैक्स पेन से दूर चला गया है। मैक्स पेन क्या करता है दोस्तों, कोई भी स्टॉक अगर इसके पास में आएगा ये इसको खींच लेगा, तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर से नीचे तो इसने खींचा लेकिन उसके बाद अब जो कॉल पुट राइटर है उनमें भी इतनी कैपेबिलिटी होती है कि मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोस्तों सारे रिपल पॉइंट होते हैं, अट्रैक्ट पॉइंट होते हैं, रिपल्शन करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। तो इससे दोस्तों हालांकि यहाँ पर आया कॉल ने अपनी तरफ अट्रैक्शन नहीं कर पाया, लेकिन मैक्स पेन ने इसको अपनी तरफ खींचा और मैक्स पेन के खींचते ही साथ पुट राइटर ने भी इसको खींचा और नीचे दोस्तों हमको बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। सो मैंने भी यहाँ पे पुट में काफ़ी अच्छा पैसा बनाया, जो 1% का मूवमेंट हमको देखने को मिला। अब मैं ये सारे जो मैक्स पेन ने पहले डिलीट कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं बताता हूँ, कुछ लोगों का मानना था कि यार बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया है कल। दोस्तों मेरे हिसाब से कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया है, क्यों मैं आपको डे कैंडल पे दिखाता हूँ। दोस्तों आपको दिख रहा है कल जो उसने ग्रीन कैंडल बनाया बस उसी का उसने यहाँ पे एग्जॉस्ट किया और कुछ भी नहीं किया दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। आज के हिसाब देखा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है,
क्योंकि कल ही जब उसने इतना बड़ा बनाया तो आज उसने उसको रिकवर किया, दैट्स इट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचेंगे मार्केट में डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, क्योंकि कल उसने बड़ी ग्रीन बनाई, उसको रिकवर किया, दैट्स इट। जो इंट्राडे वालों ने, जो भी स्विंग ट्रेड वालों ने प्रॉफिट बुक किया, यहीं पर आके रुक गया एग्जैक्ट। दोस्तों देखो बॉटम पॉइंट पर एग्जैक्ट यहाँ पर आके रुका, तो बड़ा फॉल जैसा कुछ भी नहीं है। कल उसने बड़ा मूवमेंट अपसाइड दे दिया, उसने रिकवर कर लिया, डाउन साइड दे दिया। सेम थिंग डेली हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे डाउन साइड देता है तो यहाँ पे ऊपर खुल के फिर डाउन देता है, फिर ऊपर खुलता है, डोजी बनता है, डोजी बनता है, ये सब स्टोरी चल रही है। कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो मैंने यहाँ पर टाटा मोटर्स दिया था, इसका भी दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलर्ट आया, जैसा मैंने पहले बताया, रिपीट कर रहा हूँ फिर से, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर मूवमेंट एक तोड़ा तो उसके बाद फिर से उसने मूवमेंट निकाल के दिया। तो विक्स हाई डे बाई डे दोस्तों विक्स हाई चल रहा है। अभी कल भी दोस्तों बिल्कुल विक्स और हाई होने वाला है। हाई कब होता है दोस्तों, विक्स लो कब होता है दोस्तों? यहाँ पर अभी एक और बार अभी बड़ी रेड कैंडल बनी दोस्तों, तो लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करने की गुंजाइश है। तो अब दोस्तों हम लोग चलते हैं फटाफट नेक्स्ट, हमारा मैक्सपेन क्या होने वाला है, कॉल राइटर क्या होते हैं, मैं थोड़ा क्विकली आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है अभी दोस्तों जो इसका मैक्सपेन है 24500 पर है। 24500 पे कैसे 24 मैक्सपेन की थोड़ी सी डेफिनेशन दे देता हूँ, जो लोग नए हैं मेरे साथ जुड़े उनको बता दो दोस्तों मैक्सपेन क्या होता है। मैक्सपेन दोस्तों वो पॉइंट होता है, जैसे कि नाम में ही पेन है, ठीक है। तो मैक्स पेन दोस्तों सिंपल सी लॉजिक है, जो कॉल जो ऑप्शंस बायर होते हैं उनके लिए पेन वाली सिचुएशन होती है। यानी कि मैक्स पेन पे आता है तो ना तो मार्केट ऊपर, ना तो प्रीमियम कॉल की बढ़ती है, ना ही पुट की बढ़ती है, ठीक है। तो मैक्स पेन होता है ऐसा प्राइस एक्शन जहां पे ना तो कॉल की प्रीमियम बढ़ेगी ना पुट की बढ़ेगी, दोनों दोस्तों यहाँ पे कॉलर और कॉल राइटर पुट राइटर दोनों बहुत हाई क्वांटिटी में बैठे होते हैं। वो नहीं चाहेंगे मार्केट यहाँ से छूटे, और अगर बाई चांस छूटता है तो बहुत तेजी से दोस्तों हमको नेक्स्ट जो कॉल राइटर है पुट राइटर उस पर हमको मूवमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों ये रही मैक्सपेन पोजीशन। अब यहाँ पर हम मैक्सपेन ज्वाइन लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ दोस्तों, फिर हम कॉल राइटर पुट राइटर की लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैक्सपेन है फिलहाल 24500 में। 5 मिनट का कैंडल दिखा देता हूँ, फिर मैं 24500 का मैक्सपेन का लाइन ड्रॉ करूँगा। ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने 24500 का मैक्सपेन का लाइन। ये तो हो गया भाई मैक्सपेन, ठीक है। अब मैं मैक्सपेन को यहाँ से थोड़ा कॉपी यहाँ पर मैं ड्रॉ करना चाहूँगा। मैक्सपेन को किस तरह मैं ड्रॉ करूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस तरह नहीं करते हम लोग, ये ले लेते हैं भाई यहाँ पर मैक्सपेन ये ले लें। पर मैक्सपेन में इसको थोड़ा सा ब्लू कलर में कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कलर कोडिंग दिखे। तो दोस्तों यहाँ पर जब मैक्सपेन आया, ये मैक्सपेन वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्सपेन तो हो गया, ठीक है ड्रॉ। और दोस्तों बियरिश बता रहा है, ध्यान रखना दोस्तों बियरिश क्यों बता रहा है, क्योंकि मैक्सपेन थोड़ा इसके नीचे है, ठीक है। ये देखिए मार्केट को ये नीचे की 500 करते हैं क्यों अप्रॉक्सीमेट, ये देखो। अब दोस्तों यहाँ पर जब मैंने मैक्सपेन ज्वाइन किया ना, तो आप देख रहे हो कल का सपोर्ट आज का सपोर्ट ऑल ऑटोमेटिकली ज्वाइन होगा दोस्तों, हमको कुछ ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ज्वाइन हो गए। तो जो लोग वीडियो बनाते कि भाई यहाँ पे सपोर्ट को हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, वो सब यहाँ पे टेकन केयर बाय मैक्सपेन। अब दोस्तों बात करते हमारा कॉल राइटर का मीनिंग क्या होता है दोस्तों। जो ऑप्शन सेलर होते हैं, जो बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं दोस्तों, ऑप्शन बायर जो काम 5000 में कर सकते हैं, जो पोजीशन अफसर बाय ऑप्शन बायर 5000 में ले सकते हैं, ऑप्शन सेलर को दोस्तों 1 से 2 लाख 3 लाख रुपए देना होता है उस पोजीशन को लेने के लिए। सॉरी मैंने उल्टा बोला होगा तो माफ़ कीजिएगा, फिर से शायद नहीं बोला उल्टा, लेकिन मैं रिपीट फिर से कर देता हूँ। ऑप्शन बायर को जो एक्शन जिस प्राइस एक्शन पे एग्जीक्यूशन करने पे 5000 रुपये से 10000 रुपये लगते हैं, ऑप्शन सेलर को वही प्राइस पे ऑप्शन सेल करने पे, यानी कि यहाँ पर कॉल राइटर हैं तो उनको कॉल को शॉर्ट सेल किया है, कॉल को सेल किया है, कॉल को सेल करने में उनको 1 से 3 लाख रुपए लगते हैं, तो कितना डिफरेंस हो गया दोस्तों। इसलिए जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनको मार्केट हाई प्रायोरिटी देता है कि उनका ज़्यादा पैसा लगा होता है, ज़्यादा अनलिमिटेड रिस्क होती है। ऑप्शंस बायर ने अगर 5000 में ऑप्शन बाई किया तो उसके सिर्फ 5000 रुपये की रिस्क है, लेकिन ऑप्शन सेलर ने जब 1 से 3 लाख रुपये लगाए हैं तो उनकी रिस्क है दोस्तों 1 से 3 लाख, बहुत अनलिमिटेड बोला जाता है, अनलिमिटेड रिस्क हो। तो मार्केट ऑफकोर्स किनको फेवर देगा, जो बड़ा पैसा लगा रहे हैं, बड़े प्लेयर हैं उनको प्रेफरेंस देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर लोगों ने कॉल
शॉर्ट सेल किया हुआ है किस पॉइंट पे, 24,800 रुपये पे, तो मार्केट ऑफकोर्स नहीं चाहेगा कि 24,800 रुपये का ब्रेक डाउन करे। ये रहा 24,800 रुपये, मैं इसको रेट कर देता हूँ। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाने की काफ़ी संभावना होती है, और मैक्स पेन की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल राइटर। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मेरे बारे में, भी एक ऑप्शन सेलर हूँ, मेरा अच्छा खासा 16 लाख, मैं इतना तो बता सकता हूँ, यूट्यूब में कोई कॉपीराइट वो पॉलिसी वायलेशन नहीं है, मेरा 16 लाख का मेरा कैपिटल है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग पे ज़्यादा पैसा बनाता हूँ, बाई भी बिल्कुल करता हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग पे लिमिटेड मैं पूरा अपना पोर्टफोलियो मैनेज करके रखता हूँ दोस्तों। ऑप्शन बाइंग पे 5,000 की रिस्क है तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुझे 3 से 4 लाख, 1 से 3 लाख रुपये लगाना होता है, लेकिन मुझे अनलिमिटेड रिस्क है। तो मैं दोनों चीज़ों पे दोस्तों काफ़ी टाइम से मेरे को 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों, मैं उसके अकॉर्डिंग अपना एक्सपीरियंस यूज़ करता हूँ, बिल्कुल बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे इसको रेट करता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बुलिश बियरिश होगा। अब दोस्तों बात कर रहे थे हम लोग पुट राइटर की, अब ये तो हो गया भाई, कॉल राइटर नहीं चाहेंगे कि मार्केट यहाँ पे आए तो तेज़ी से वापस गिरे, मैक्स पेन चाहेगा कि यहीं पे मैग्नेट की तरह मार्केट चिपका रहे, और इससे अगर दूर जाएगा तो फिर ये लोग उसको अपनी तरफ रिपल अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपल करेंगे, यानी अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करेंगे या दूर भेजेंगे, दूर भगाएंगे। तो अब बात कर लेते दोस्तों यहाँ पर पुट राइटर की, पुट राइटर कहाँ बैठे दोस्तों, ये डिफरेंस देखना दोस्तों, रेड और ग्रीन इनमें डिफरेंस कहाँ पर है, हालांकि ये भी ग्रीन बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, रेड छोटा है ग्रीन बड़ा है। तो ये कौन सा प्राइस एक्शन है, ये प्राइस है दोस्तों 24,300 पे दोस्तों पुट राइटर बैठे, ठीक है 24,300 इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, यहाँ पर पुट राइटर बैठे हुए, पुट राइटर यानी कि पुट राइटर क्या चाहेंगे, मार्केट यहाँ से नीचे ना जाए, कॉल राइटर चाहेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाए, मार्केट यहीं कहीं इर्द गिर्द घूमता है। अब देखो दोस्तों सिंपल हमको लेवल मिल गए, जो मैक्स पेन है वो क्या चाहेगा, एक मिनट में इसको भी कॉपी पेस्ट कर, थोड़ा सा इसको एडिट कर देता हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाए कहाँ पर कॉल राइटर है कहाँ पर पुट राइटर है। तो दोस्तों कॉल राइटर चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाए, मैक्स पेन चाहेगा कि मार्केट यहीं पे चिपका रहे, और पुट राइटर चाहेंगे मार्केट यहाँ से नीचे ना जाए। दोस्तों देखा आपने यहाँ पर मैक्स पेन चिपका रहा और यहाँ पे कॉल राइटर थे, कल के मार्केट जब मैंने कल वीडियो प्रीवियस सेशन डे में वीडियो बनाया था तो उनका मानना था कि यहाँ से नीचे ना जाए, लेकिन ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसने अट्रैक्ट किया और यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ से नीचे नहीं गया। तो ये दोस्तों होती है मैक्स पेन कॉल राइटर पुट राइटर के हिसाब से एनालिसिस। तो ये दोस्तों हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस बार क्या हो रहा है दोस्तों, ऊपर की तरफ बड़ी फील्ड दिख रही, नीचे छोटी फील्ड दिख रही है। अब आई डोंट नो, हो सकता है दोस्तों कल मार्केट फिर से ऊपर की तरफ प्ले कर जाए, अगर मार्केट एग्जाम्पल गैप डाउन ओपन होता है तो। दोस्तों मैक्स पेन की आदत क्या होती है, मैक्स पेन का नीचे होता है कि मार्केट अपनी तरफ खींचे, ये खींचेगा। अब दोस्तों खींच के कितना खींचे, काफ़ी टाइम तक तो होल्ड करके रख नहीं सकता, क्योंकि ये राइटर और पुट राइटर भी बैठे, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट ट्रिपल करेंगे। तो अगर दोस्तों थोड़ा ऊपर चला गया तो एक ये मैजिकल लेवल होगा, और अगर यहाँ से नीचे गया तो ये वाला एक मैजिकल लेवल होगा, ये आपकी पूरी फील्ड हो गई पुट वालों के लिए खेलने के लिए, ये ऊपर की फील्ड हो गई कॉल वालों के लिए प्ले करने के लिए। तो इस तरह दोस्तों जो बायर हैं वो भी यहाँ पे आराम से ट्रेड कर सकते हैं, जो सेलर है वो इन लेवल्स को ध्यान रख के ट्रेड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों हमारे स्टॉक की तरफ, ठीक है, सॉरी बिफोर दैट ये निफ्टी हो गई, अब मैं आपको बैंक निफ्टी के एनालिसिस दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी मैंने कल ड्रॉ किए थे दोस्तों, लेवल क्यों लोड नहीं हुए, लोड नहीं हुए शायद मैं नेट स्लो है, लोड होंगे ट्रेंड लाइन लोड नहीं हुई दोस्तों, कल की ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी, पता नहीं लोड नहीं हो रही है, शायद डिलीट हो गई होगी मेरे से। मैंने क्या किया था दोस्तों, कल यहाँ पर सिंपल सा एक ओरिजोनटल लाइन नीचे ड्रॉ की थी, दूसरी मैंने ऊपर ड्रॉ की थी। तो दोस्तों अभी भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, नहीं तोड़ा है, कल भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन से दोस्तों इस रेंज के अंदर ये प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं अलर्ट लगा देता हूँ, क्या अलर्ट लगाऊंगा, सॉरी पहले निफ्टी का, सॉरी मैं आगे निफ्टी पे जा रहा हूँ, ये तो दोस्तों मैक्स पेन का था, अब मैं यहाँ पे क्या अलर्ट लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ मैक्स पेन क्रॉसिंग मैक्स पेन लाइन। अब दोस्तों आप लोगों को डिसीजन लेना है भाई, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्या करना, आपको अपने विवेक बुद्धि के हिसाब से मैक्स पेन लेना, मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि जब भी मैक्स पेन पे टच होगा तो आपको एक अलर्ट आ जाएगा कि हाँ भाई मैक्स पेन पे टच हुआ है, ठीक है, ये 3 लाइन में आप लोगों को अलर्ट आ जाएगा, एक तो मैक्स पेन का अलर्ट आ जाएगा,
दूसरा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पुट राइटर का अलर्ट आना चाहिए आपको कि भाई पुट राइटर पे आया है। इतना दोस्तों मैं आपको अलर्ट दे दूंगा, आपको पूरे टाइम मार्केट मॉनिटर नहीं करना। लेकिन अब क्रॉसिंग ये पुट राइटर और ये तीन अलर्ट दोस्तों आपको टेलीग्राम पे जैसे यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ये देखो यहाँ पर अलर्ट आता है मैक्स पेन क्रॉसिंग प्लेट। क्रॉसिंग अप डाउन से मुझे मतलब नहीं, मैं सिर्फ क्रॉसिंग करूँगा यानी कि इस लाइन को टच किया, ठीक है, इस तरह आपको अलर्ट आ जाएंगे। आपको अपने विवेक बुद्धि के हिसाब से एक्शन लेना। और दोस्तों जो मैं स्टॉक देता हूँ ना, जैसे मैं टाटा मोटर दिया था, तो यहाँ पर ओपनिंग 9:07 पे, तो 9:11 मार्केट ओपन होने के पहले मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ओपन हियर मार्केट जो मेरा इकलौता स्टॉक होता है क्वालिटी, इंट्राडे में क्वालिटी मिलेगी, क्वांटिटी नहीं, एक ही स्टॉक देता हूँ, तो आपको बता दूंगा दोस्तों ओपनिंग हियर। तो बिल्कुल हियर मतलब आपको एक्टिव, ये कॉल एक्टिवेट होगा जब भी तोड़ेगा ऊपर या नीचे, तो हमको बड़ा मूवमेंट मिलेगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने टुडे ये दिया था। तो जब तोड़ा यहाँ पर, हमको यहाँ पर ओपनिंग हुई, तो मैंने बोला ओपनिंग हियर, उस समय ये चार्ट नहीं बना था दोस्तों, ठीक है, इतना ही बना था 9:07 पे, मेरे को पता लग गया था ओपनिंग अंदर होने वाली है। उसके बाद जब इसने ब्रेकडाउन दिया तो तेज़ी से मूवमेंट आया। तो इस तरह दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा ओपनिंग हियर। तो कल भी दोस्तों जैसा मैंने आज दे रहा हूँ कौन सा स्टॉक, HDFC, तो कल 9:07 के आसपास यानी 9:15 के पहले आपको आ जाएगा ओपनिंग कहाँ हो रही है। मैं आपको टेलीग्राम पे इसका अलर्ट दे दूंगा कि ओपनिंग कहाँ हो रही है, ठीक है। अब बात कर रहे थे हम लोग निफ्टी की, फिलहाल निफ्टी में मैक्स पेन निफ्टी के मैं अलर्ट लगा रहा था। जी हाँ, मैं फिर से लगा लेता हूँ, ये अलर्ट का सिंबल आ गया, ये अलर्ट का सिंबल आ गया। आप कॉल राइटर को मैं यहाँ पे से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसका भी मैं अलर्ट लगाने वाला हूँ। अगर दोस्तों कोई जरूरी नहीं, बायस नहीं होना है दोस्तों, मार्केट ऊपर भी तोड़ सकता है, विक्स इंडिया विक्स हाई चल रहा है, ठीक है, भले ही इतना 1% दूर है, लेकिन दोस्तों मार्केट ऊपर तोड़ेगा, ऊपर ही भाग सकता है, कोई बायस नहीं होना दोस्तों। मंडे दोस्तों मैं बताता हूँ विक्स, ये इंडिया विक्स है ना, और हाई होने वाला है। क्यों? ट्यूजडे बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप सबको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी न्यूज़ है ट्यूजडे। तो यहाँ पर और इंडिया विक्स हाई होने वाला है, 15 को क्रॉस करने वाला है इंडिया विक्स ट्यूजडे को। तो अब यहाँ पर मैंने जैसा बोला कि भाई कॉल राइटर दोस्तों को तोड़ देता तो तेज़ी से भागने के चांसेस हैं दोस्तों, कोई इसमें अतिशोक्ति नहीं होगी कि इतना भाग रहा है और कितनी सोच। दोस्तों एक स्ट्रेटजी पता है जो नए ट्रेडर अपनाते हैं, बहुत ख़राब है, और उसका नाम है और कितना ही भागेगा। ये बहुत ख़राब स्ट्रेटजी दोस्तों, बोलते हैं ना कि अगर ये तोड़ा इतना भागा है और कितना ही भागेगा, ये बहुत ख़राब स्ट्रेटजी पर दोस्तों कोई काम ना करो। और कितना ही भाई, स्टॉक मार्केट में बोला जाता है इतना पोटेंशियल है कि और कितना ही भागेगा। स्ट्रेटजी पर जो काम करते ना, वो लोगों का पूरा कैपिटल वाइप आउट करने की कैपेबिलिटी रखता है मार्केट। और कितना ही भागेगा सबसे ख़राब स्ट्रेटजी है दोस्तों, जो लोग आप अपनाते हो ना, और अब तो इतना ही भाग गए और कितना ही भागेगा, सबसे ख़राब स्ट्रेटजी, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सी बात है, नीचे जाएगा। यहाँ पर मैं मैक्सिमम वगैरह नहीं जा रहा हूँ दोस्तों इतना ज़्यादा, क्रॉसिंग डाउन तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट बाई एक्टिवेटेड, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ मैं अलग तरीके से चीज़ों को लिख रहा हूँ दोस्तों, अलग तरीके से कर रहा हूँ, ये अलर्ट आ गया दोस्तों। बार बार बोलता हूँ अलर्ट सर्विस ज्वाइन करना, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए, नॉर्मल चार्ज। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा बहुत मैं चार्ज करता हूँ दोस्तों लाइफ टाइम के लिए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो ताकि मुझे ही मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि मेरे काफ़ी रिसोर्सेज लगते हैं वीडियो बनाने में। क्रॉसिंग अप है तो यहाँ पर कॉल बाई टाइम लगता है, एनर्जी लगती, काफ़ी चीज़ लगती है, तो थोड़ा बहुत मुझे भी मिलना चाहिए हल्का फुल्का। यूट्यूब में तो दोस्तों $100 देते हैं, आजकल बहुत कंपटीशन हो गया है, तो इतना ज़्यादा मुझे यूट्यूब में बहुत ज़्यादा, मैं $100 के पीछे काम नहीं करता हूँ दोस्तों, बिल्कुल ना मैं करता हूँ ना कल को करने वाला हूँ। 7 साल हो गए दोस्तों, मैं 5,000-7,000 सब्सक्राइबर हैं, इट्स ओके, डजेंट मैटर। मेरे साथ जो प्रॉपर जुड़े हुए सब्सक्राइबर है दोस्तों, उनसे मैं अच्छा खासा मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है दोस्तों। काफ़ी मुझे व्हाट्सअप पर 1-to-1 कमेंट करते हैं, काफ़ी चीज़ें, तो मैं स्टॉक मार्केट से भी अच्छा खासा पैसा बनाता हूँ। मैं यूट्यूब के $100 के भरोसे दोस्तों नहीं बैठा हूँ, क्लियर कट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं अपना हार्डवर्क यहाँ पे झोंकता हूँ ताकि मैं भी एनालिसिस करूँ, आप भी एनालिसिस करो, आप भी सीखो कुछ चीज़ों को। मेरा इंटेंशन यही, मेरे को यूट्यूब के $100 का कोई लालच नहीं है, लेकिन हाँ दोस्तों बिल्कुल मैं मेहनत करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे इस तरह जो टेलीग्राम है वो सर्विस छोटा मोटा नॉमिनल चार्ज रखता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को अलर्ट आ जाए। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी जो अलर्ट सर्विस है उसका भी पेमेंट, जो प्लेटफॉर्म है छोटा मोटा उनका भी मंथली मेरा सब्सक्रिप्शन है चीज़ों को लेके, तो उसी के लिए मैं आपसे छोटा सा चार्ज लाइफ टाइम के लिए करता हूँ, ताकि हम दोनों का
आप लोगों के हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, मैं आपको कॉपरेट करूँ, आप लोग मुझे कॉपरेट करो, सिंपल सी लॉजिक है दोस्तों, गिव एंड टेक, विन विन सिचुएशन। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि भाई इंडेक्स की बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, कल का स्टॉक जो था दोस्तों वो क्या था, HDFC बैंक। अब दोस्तों आ जाते हम लोग हमारे मेन कोर्स पर, मेन कोर्स पर हम लोग बात कर रहे थे HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक में यहाँ पर हम लोग की तरफ है दोस्तों, और छोटा सा पॉइंट नीचे की तरफ है। अब भाई 1% कुछ लोग फिर से क्वेश्चन करेंगे कि सर अगर 1% यहाँ से ऊपर भागेगा तो अगेन 1% का टारगेट क्या मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, क्यों मिलेगा? क्योंकि मैं विक्स की बात कर रहा हूँ, इंडिया विक्स हाई चल रहा है। कल दोस्तों आप भी देखना 15 को टच करेगा इंडिया विक्स, ठीक है, 15 को टच करेगा तो बिल्कुल जब इंडिया विक्स हाई होता जाता है तो यहाँ पे 1% 1% और एक और परसेंट ऊपर तो भागने की ताकत रखता है। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल हम लोग लिख देते हैं कि अगर क्रॉसिंग डाउन, यहाँ पे दोस्तों मैं डाउन चूज करना चाहूँगा, क्रॉसिंग डाउन ट्रेंड लाइन, तो आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना, तो आपको टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएगा, क्रॉसिंग डाउन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर दोस्तों इसने क्रॉसिंग डाउन किया था तो एक बड़ा मूवमेंट मिला। सिमिलर केस दोस्तों HDFC में आपको मिल जाएगा क्रॉसिंग डाउन, और मैं आपको 9:07, 8 मिनट, 9 मिनट, 11 मिनट पे बता दूंगा। क्या बता दूंगा मैं आपको? मैं आपको ये बता दूंगा कि ओपनिंग कहाँ हो रही है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ओपनिंग यहाँ पर हो रही है। उसके बाद दोस्तों आपको डिसीजन लेना आपके विवेक बुद्धि के हिसाब से। क्रॉसिंग अप, तो यहाँ पर क्रॉसिंग अप इतना ही लगाऊंगा दोस्तों, ये दोनों अलर्ट लग चुके हैं। ये आ गया अलर्ट का सिम्बॉल, ये आ गया अलर्ट का सिंबल। अब आप लोगों को डिसीजन लेना आपके हिसाब से। अब बात करते हैं दोस्तों स्विंग ट्रेड के बारे में। स्विंग ट्रेड में दोस्तों मैं यहाँ पर दिया था कौन सा, ब्रिटानिया दिया था मैंने लास्ट वीक, और मंडे को एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट होने के बाद ये शॉर्ट टर्म मतलब बोले तो दोस्तों 15-20 दिन, एक महीने आप लोग होल्ड कर सकते हो। तो इसने आराम से हमारा 5% के टारगेट की बात करते हैं, अभी 3% टच किया है दोस्तों इसने, अभी और इसको होल्ड रख सकते हैं जिनने ऑलरेडी पोजीशन बनाए। लोग पोजीशन ना बनाए लेकिन जिनने ऑलरेडी पोजीशन बनाई वो यहीं पर दोस्तों स्टॉप लॉस है, टच हुआ तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे 5% का टारगेट लेके हम लोग यहाँ पे ऊपर की तरफ आराम से ट्रेड बना सकते हैं। नई पोजीशन अभी नहीं करना दोस्तों, क्योंकि 1-2% ऊपर चल ही रहा है, 5% का ही टारगेट ही है, ठीक है। और कल इसने 2.5% में, अब 2-2.5% के लिए क्या रिस्क लेना, डाउन ट्रेंड में भी दिख रहा है, थोड़ा सा वीक दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक। कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलेंगे 507 रुपये तक, 5700 पे होल्ड कर सकते हैं जिनने ऑलरेडी पोजीशन बनाई है मेरा वीडियो देख के। अब दूसरा स्टॉक दोस्तों जो यहाँ पर मैं लेकर आया था दोस्तों, ये किस स्ट्रेटजी पे लाया हूँ दोस्तों, मंडे को मैं लाया हूँ दोस्तों, वीकली ब्रेकआउट होने वाला है वाली स्ट्रेटजी, नाम थोड़ा अजीब सा है, ब्रेकआउट, वीकली ब्रेकआउट होने वाला है वाली स्ट्रेटजी। तो हालांकि इसने अपना प्रीवियस वीक ब्रेकआउट नहीं दिया, लेकिन अब ये बिल्कुल ब्रेकआउट देने के कगार पे खड़ा हुआ है, तो ब्रेकआउट देगा दोस्तों इसमें हम टारगेट में अभी आपको बताते हो कितना टारगेट होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा 8% का टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं लिख देता हूँ, ये वीकली कैंडल है, मैं इसको वापस 5 मिनट पर लेके आ जाता हूँ, आपने देखा दोस्तों एक चीज़ जब मैं 5 मिनट पर लाया तो यहाँ पर एक हाई, दूसरा एक और हाई, और ये जो प्रीवियस का हाई है ये इसका टारगेट है 56 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब भी इसका ब्रेकआउट देगा, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, राउंड सर्कल जो मैंने बनाया आपको दिखाने के लिए, अब ये जो लाइन है दोस्तों इस पर मैं अलर्ट लगा देता हूँ क्रॉसिंग अप, और यहाँ पर लिख दूंगा दोस्तों बिल्कुल वीकली ब्रेकआउट, और लिख देता हूँ शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म बोले तो 15 डेज से लेके 1 मंथ है ना, इतना है। और टारगेट की बात करेंगे दोस्तों तो मैंने बताया आपको यहाँ पे 8% का टारगेट है, ये भी लिख ही देता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 8% टारगेट, ये ज़ीरो क्या आ गया है, ओरिजोंटल, ये क्या लिखा है, ओरिजोंटल, ठीक है, क्रॉसिंग अप ओरिजोंटल लाइन होगा, स्पेलिंग इज समथिंग ना, ओके। तो अब यहाँ पर ठीक है, ये हो गया दूसरा स्टॉक, दो स्टॉक लाए दोस्तों, लास्ट टाइम तो एक ही स्टॉक लाया था, इस बार मैं दो स्टॉक लाया क्योंकि वीकेंड को वीडियो बना रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम है, इसको दोस्तों फिर से मैं वीकली पे कन्वर्ट करना चाहूँगा, वीकली कैंडल पे जब मैं कन्वर्ट करूँगा दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हो ये भी वीकली ब्रेकआउट होने वाला है वाली स्ट्रेटजी पे बेस्ड है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ आप देखना, इसमें दोस्तों जब भी ये ब्रेकआउट देगा ना अपर सर्किट बना के मूवमेंट निकालेगा, क्यों, अब मैं आपको जब डे वाले चार्ट पे दिखाता हूँ, डे पे नहीं चलो 5 मिनट पे दिखाऊंगा तभी आपको क्लियरिटी आएगी।
तो दोस्तों यहाँ पर ये क्लोजिंग दी है, इसने अपर सर्किट के साथ क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब अपर सर्किट क्लोजिंग दी है तो दोस्तों यहाँ पर ये जैसे ही अपना वीकली ब्रेकआउट देगा तो आपको क्या अलर्ट आ जाएगा, वीकली ब्रेकआउट अपर सर्किट पॉसिबल, पॉसिबिलिटी ऑफ अपर सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अपर सर्किट लगने के काफ़ी चांसेस हैं। अपर सर्किट में आप लोग एंटर हो गए दोस्तों, आपके वारे न्यारे, एक वर्ड होता है ना वारे न्यारे जैसी चीज़ होती है, हालांकि स्टॉक मार्केट कुछ वारे न्यारे नहीं होता है दोस्तों, आप लोग अपनी एनालिसिस करना है। ये जो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ सिर्फ स्टडी डिस्क्लेमर यहाँ पे भी शुरू में भी देता हूँ दोस्तों, यहाँ भी मैं देता हूँ दोस्तों, जो काफ़ी मार्केट आप सबको पता है कि भाई इट्स ए सब्जेक्ट टू रिस्क, तो यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग थोड़ा बहुत हिंट दे सकता हूँ कि क्या मार्केट चल रहा है और मैं किस तरह ट्रेड करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं लगे हाथों। जो सो यहाँ पर मैंने दिया था AWFIS लॉन्ग बेक, मैंने खुद एंट्री ली थी, मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भी बताया था, बार बार मैं नहीं बता सकता, जो कम्युनिटी राइट्स होती हैं उनकी वजह से मुझे स्ट्राइक कॉपी वो जो स्ट्राइक होता है, पॉलिसी अलाउ नहीं करती यूट्यूब की, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बोला दोस्तों यहाँ पर हमने एंट्री करवाई थी, एंट्री करवा के एक बड़ा मूवमेंट निकला और वापस नीचे गया, नीचे गिरा दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो कल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, कल जो मार्केट था अप हुआ वही नीचे गिरा और बड़े बड़ा कैंडल बना है इतने दिनों में, लेकिन डजेंट मीन के डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों, सिर्फ जो कल एक बड़ी कैंडल बनी थी उसी के नीचे छोटी कैंडल बना दी उसने। तो आज दोस्तों हमारा एग्री के 10% के आसपास गिरा है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें, हमको ऑलरेडी यहाँ पर हम लोगों को एक 50% दोस्तों दिख रहा है यहाँ पे पोर्टफोलियो विद इन नॉट इवन वन मंथ 50% का दिख रहा है, ये तो चलो ठीक है ऑलरेडी हो चुका। अब अपकमिंग वाली बात क्या करें, ये भी दोस्तों एक्टिवेट हुआ था, इसमें दोस्तों अपकमिंग स्टॉक में इसमें दोस्तों एंट्री बनती है, यस। जो ये इसका नाम दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा IPO लिखा है, मैंने IPO ब्रेकआउट क्यों लिखा है दोस्तों, जब IPO आता है ना उस दिन की एक स्टोरी है, मैं कभी भी डीपली वीडियो बनाऊंगा, जब उसका फर्स्ट डे का ब्रेकआउट करता है तो एक बहुत बड़ा मोमेंट मिलता है देखने को। तो हालांकि यहाँ पे दिखा, कुछ लोग बोल रहे थे सर हमारा एंट्री छूट गई है ऑलरेडी 12% भाग चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो लोग फिर से री एंटर कर सकते हैं 4% के स्टॉप लॉस पे, स्टॉप लॉस लाइन के नीचे होगा, अभी इसमें एंट्री बनती है। एक और स्टॉक नया स्टॉक इंडिगेन, अब दोस्तों ये जब भी ब्रेकआउट देगा ना आप लोगों को यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा, क्या अलर्ट आ जाएगा, ये मैंने अलर्ट लगा के रखा है, तो ये दोस्तों आपको अलर्ट आ जाएगा वन डे क्रॉसिंग अप IPO स्ट्रेटजी यानी लॉन्ग टर्म, ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए इसमें 3 से 4 महीने आप लोगों को होल्ड करना है। तो एक और दोस्तों मैंने BEL पे दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से मॉनिटर कर रहा था, बहुत अच्छा अपट्रेंड था और मैंने बोला था कि ये इसका ब्रेकडाउन कर देगा तो हमको एग्जिट कर जाना है, तो दोस्तों मैंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, मैंने यहाँ पे कुछ 6 लाख का यहाँ पे कैपिटल लगाया था दोस्तों बहुत पहले, क्योंकि बिल आपको पता है कि जब इलेक्शन आए, जब वो अपना गवर्नमेंट आई तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिया, सबको पता है दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, सारे सेक्टर बड़ा मूवमेंट देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो जब यहाँ पर एक इस जगह दोस्तों जब गवर्नमेंट आ गई अपनी वाली, जो रिटेन जो भी पुरानी गवर्नमेंट थी रिटेन हो गई है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली, बड़ा मूवमेंट बनाया और जो हाई था वहाँ पर मैंने बोला कि भाई ये हाई तो चलो ठीक है टच हो गया, अब इसका ब्रेकडाउन करता तो एग्जिट करना है, मैंने यहाँ पे 6 लाख का पूरा मेरा कैपिटल फ्री है दोस्तों, अभी मैं वेट कर रहा हूँ फिर से चीज़ों का, तो यहाँ पर मैंने एग्जिट कर लिया है। अब आप लोग भी दोस्तों अगर चाहो तो एग्जिट कर सकते हो जिन, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत इसने अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकडाउन कर दिया दोस्तों, बहुत तगड़ा ब्रेकडाउन किया दोस्तों मारू बोजू कैंडल के साथ, तो यहाँ पर आप डोंट थिंक कि बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है अगर इसका ब्रेकआउट करता है कल। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, जो कल और परसों में बोल रहा हूँ ना, कल परसों यानी कि 23 को बजट आने वाला है, अगर इस 2 दिन में इसका ब्रेकआउट कर देता है ये दोस्तों, फिर से इसमें एक अच्छी खासी रैली आएगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रॉसिंग अप, लॉन्ग टर्म की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है दोस्तों, यहाँ पर एग्जिट कर लिया अच्छी बात है, अभी एंटर नहीं करना, जब इसका ब्रेकआउट देगा तभी इसमें एंट्री करना है, अब इसमें कोई एंट्री नहीं करना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कल ही एग्जिट कर लिया था दोस्तों, कल बोले तो थर्सडे को, फिर कल मैंने देखा एक और ग्रीन में ही, तो मुझे अपने आप पे अप्रिसिएशन खुद को दिया, मैंने पार्टी किया था दोस्तों मैंने कि चलो अच्छे टाइम पे 6 लाख का कैपिटल दोस्तों समझते हो मैंने पूरा रिलीज़ किया कल यहाँ पर, और फिर एक और
1% का मूवमेंट डाउनफॉल दिखा, तो मैंने अपना सेलिब्रेट किया। दोस्तों खुद को सेलिब्रेट करना भी एक आर्ट है दोस्तों, खुद को रिवार्ड देना भी एक बहुत, कोई थर्ड पर्सन आपको आके रिवार्ड नहीं देगा। हम लोग ट्रेडर की दोस्तों क्या प्रॉब्लम, सबसे पहली बात लोग बोलते क्या करते हो भाई ट्रेडिंग करते, सट्टा मानते हैं दोस्त लोग, लेकिन हमको खुद को सेल्फ रिवार्ड देना है यहाँ पर। तो ज़्यादा नहीं बनाऊंगा दोस्तों, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, आज वीकेंड था इसलिए मैंने थोड़ा फ्री था, तो मैं ज़्यादा काफ़ी बड़ा वीडियो बना दिया है। इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।